नमस्कार। पोथी पढ़ पढ़ जन्म हुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कबीर दास जी ने कितना सही कहा था, पर आज मैं आपसे कबीर की बात नहीं, मैं वैलेंटाइन डे के इस अवसर पर आपसे उस कहानी का जिक्र करने जा रही हूँ जो आज से 107 साल पहले तब लिखी गई जब ना कोई प्रेम दिवस मनाया जाता था, ना कोई वैलेंटाइन डे, ना गुलाबों का आदान प्रदान होता था, बल्कि आंखों के गुलाबी डोरे और कपलों की सहज लाली से दिल की बात कर ली जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई अमर प्रेम कथा। उसने कहा था, इस कहानी पर सैकड़ों टेलीफिल्म बन चुकी हैं, फीचर्स बन चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, और 1960 में महान फिल्म निर्माता विमल राय ने सुनील दत्त को लेकर और नंदा को लेकर एक बड़ी सुपर डुपर फिल्म भी बना डाली। मैं जब भी इस कहानी को पढ़ती हूँ, बार बार ये कहानी मुझे पढ़ने के लिए उकसाती है। हर बार ऐसा लगता है कि शायद अब की बार कुछ नए अर्थ, कुछ नए संदर्भ मिल जाएंगे। कुरेदती है ये कहानी मुझे अंदर से, और जब पढ़ लेती हूँ तो फिर यही लगता है अभी भी कुछ बचा रह गया है, अभी भी कुछ बाकी है। क्या आप ऐसी अनोखी कहानी उसने कहा था के बारे में जानना नहीं चाहेंगे? यदि हाँ तो तैयार हो जाइए उसने कहा था कहानी की आत्मा में छांकने के लिए। प्रेम और त्याग की मिसाल स्थापित करते ही इस कहानी में 8 वर्ष की बालिका के बाल सुलभ प्रेम में एक 12 साल का बालक अपनी उम्र के 37 साल की प्रौढ़ अवस्था में उसके कहने पर क्या कुछ कर गुजरता है, इसका बड़ा मार्मिक वर्णन इस कहानी में किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ तक कह देते हैं कि इस कहानी में स्वर्गीय प्रेम झांक रहा है, निर्लज्ज होकर पुकार नहीं रहा है। इस कहानी के 2 छोर है, प्रेम और युद्ध। अमृतसर का बालपन का जो प्रेम है, 25 साल के बाद जब छलांग मारता है ना, तो सीधा प्रथम महायुद्ध के जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर जा पहुंचता है, जहां प्रेमी अपने वचन के प्रण को निभाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। और इस 25 साल के लंबे अंतराल में कहीं कोई मेल मुलाकात नहीं हुई है, कोई कसक नहीं है मन में, कोई पीड़ा नहीं है, और यादें भी बहुत धुंधला गई हैं। उन्हें कुरेदो तो कुछ याद आता है। अपने अतीत से बेखबर दोनों अपनी वर्तमान जिंदगी में खुश और संतुष्ट हैं। इस कहानी में प्रीति इतना अगाध विश्वास लिए हुए है, ऐसी आस्था लिए हुए है कि 25 साल बाद के बाद भी प्रेमिका को ये विश्वास है कि वो अपने प्रेमी से, जिसने बचपन में कई बार अपने प्राणों को संकट में डालकर उसकी जान बचाई थी, आज आंचल पसार कर यदि कुछ मांगेगी तो मिलेगा अवश्य। उसने कहा था कहानी का कथानायक किसी को नहीं बताना चाहता, वैसे हम अपने अधिकारी बहुत सूबेदार को भी नहीं बताना चाहता है कि उसने इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ उसने कहा था कि वचनों की रक्षा के लिए दे दी, बस केवल इतना भर कहकर इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि सूबेदारनी होरा को जब चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था ठीक ना लिख देना, और जब घर जाओ तो उससे कह देना कि जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। सूबेदार लहना सिंह से पूछता भी है उसने क्या कहा था, उस पर भी वो यही बात दोहराता है कि मैंने कहा ना वही लिख देना और कह भी देना। प्रेमिका के वचनों पर शहर्स प्राण त्याग कर ऐसी मौन यात्रा, धन्य है ये विलक्षण प्रीति। प्रेम कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम की पीठिका पर लिखी ये प्रेम कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का स्पष्ट संदेश देती है हमें कि युद्ध प्रेम को लील जाता है। लहना सिंह का तो एक छोटा सा सपना था कि वो जब मरे तो अपने गांव में उस पेड़ के तले मरे जो उसने अपने हाथों से लगाया था, और अपने भाई हीरा सिंह की गोद में जान दे। पर उसे मरना पड़ता है अपनी
देश की धरती से बहुत दूर एक अनजाने शहर में। यह है युद्ध की विभीषिका। युद्ध की इस विडंबना को साम्राज्यवाद की भूखी महाशक्तियां न जाने कब समझेंगी। बहरहाल कहानी की बात करते हैं। इस कहानी में 25 वर्षों के लंबे अंतराल तक जो संवाद, जो तार प्रेम को शिथिल नहीं होने देता, वो संवाद यह है कि बालक लहना सिंह मजाक मजाक में उस 8 वर्षीय बालिका से रोज ये पूछता है, जब भी मिलता है तभी ये पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और उसका भोला सा उत्तर धृष्ट धक्त भी जैसे नायिका के अल्हड़पन, मासूमियत, झिझक और शर्म के साथ एक चरित्र बनकर उभरा है इस कहानी में। और ये धक्त अनायास ही हमको राज कपूर द्वारा अभिनीत फिल्म तीसरी कसम का इसकी याद दिला देता है। किंतु एक दिन बालक को धक्त सुनने को नहीं मिलता, बल्कि उसकी आशाओं के विपरीत सुनने को मिलता है, हाँ हो गई, कब, कल, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शालू। और यहां हमें बालिका वधु की आनंद याद आ जाती है, जो केवल शादी का मतलब गहने और कपड़े ही समझती है। लेकिन इस छोटे से उत्तर ने उस बालक लहना सिंह के मन में उथल पुथल मचा दी, मानो उसके भाव जगत में एक तूफान सा आ गया। लेकिन आज के प्रेमियों की तरह उसके हाथ तेजाब की बोतल नहीं पकड़ते या तमंचा लेकर प्रेमिका के घर नहीं पहुंच जाता। जब वो घर लौट रहा होता है तो अपनी मानसिक झंझलाहट में वो एक बालक को नाली में ढकेल देता है और एक गोभी वाले की ठेले पर दूध उड़ेल देता है। एक वैष्णवी सामने से नहा के आ रही होती है, उससे टकरा कर अंधे की उपाधि पाता है, एक कुत्ते को पत्थर मारता हुआ वो घर पहुंचता है। लेकिन ये संवाद 25 साल बाद भी जब इसकी पुनरावृत्ति होती है, लहना सिंह जब सूबेदार के घर पहुंचता है तो सूबेदार ने उसे पहचान जाती है। लहना सिंह को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने तो कभी आपको देखा नहीं, आप तो मुझे कैसे पहचान लिया? तब यही संवाद की पुनरावृत्ति, तेरी कुड़माई हो गई, लहना सिंह के सामने अमृतसर के बाजार में वो पनपी छोटी सी प्रेम कहानी जीवंत हो उठती है। यौवन की प्रीति पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले तो उदाहरण इस दुनिया में अनेकों प्रेम कथाओं में मिल जाएंगे, किंतु बालपन के सहचर्यजन्य सहज प्रीति पर प्राणों का बलिदान देने वाली ये कहानी और इसका कथानायक बहुत ही दुर्लभ है मिलना। आज इंद्रिय सुखों की हुड़प और ललक का सर्वत्र बोलबाला है, किंतु लहना सिंह जैसा आत्मा का और आत्मा को शांति देने वाला, असीम शक्ति देने वाला, शांति प्रदान करने वाला प्रेम का कहीं नामो निशान तक नहीं दिखाई देता। इस कहानी में बड़ी क्षमता के साथ स्त्री के हृदय के आंतरिक परतों को भी खोल के रख दिया है। सुबेदारनी का चेहरा एक माँ का चेहरा है, एक पत्नी का चेहरा है, जो आज से 107 साल पहले की भारतीय परंपराओं, भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कारों को हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। आज की कोई नायिका होती तो शायद पुरानी प्रेमी को अपने सामने पाकर अपने पति के जीवन को इतना मूल्यवान नहीं समझती। युद्ध में जाते समय सूबेदार ने लहना सिंह से अपने पति और अपने बेटे की प्राणों की रक्षा की भीख लहना सिंह से मांगती है, और लहना सिंह उसके इस कहनावत पर अपनी जान लुटा देता है। ये कहानी हमें बताती है कि प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। अक्सर प्यार की तुलना वासना से कर ली जाती है, पर पावन प्रेम कोई यंत्र नहीं है, एक रसायन है, रसायन एक विलयन है दृष्टा और दृष्टि का। दुनिया वालों के लिए प्यार के मायने अलग अलग हो सकते हैं। कोई हवस को प्यार समझता है तो कोई त्याग को प्यार कहता है, किसी की नजर में प्यार जिम्मेदारी है तो किसी की नजर में चिंता ही प्यार है। आज लोग स्वार्थ के नजरिए से
प्यार को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। किसी के लिए कुछ किया तो प्यार है, और यदि नहीं कर पाए तो प्यार नहीं। वस्तुतः प्यार है क्या? कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को देखकर अत्यधिक प्रभावित हो जाए, उसके अक्ष से आकर्षित हो जाए, उससे मिलकर अति प्रसन्न हो जाए, उसके वचन पर मन मुग्ध हो जाए, उसकी चितवन पर फिदा हो जाए, उसके मिलन पर विचलित हो जाए और विरह पर उदास और सुस्त हो जाए, उसके विच्छेद पर न्यौछावर हो जाए, उसकी खुशी में संतोष प्राप्त करे, उसके दुख में सबसे ज्यादा चिंतित हो जाए। प्रेम का अर्थ है आपके लिए वो आपसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। मेरी नजर में किसी को नुकसान न पहुंचाना भी प्यार है, किसी अपराधी का साथ ना देकर किसी को बचा लेना भी प्यार है। कुल मिलाकर सकारात्मक नजरिए से जीना और किसी को नुकसान ना पहुंचाना ही प्यार है। प्रेम शाश्वत है, प्यार सत्य है, यह सृष्टि का आधारभूत तत्व है। इस एक भावना में बलिदान मिला हुआ है, त्याग मिला हुआ है, समर्पण समाया हुआ है। ऐसी भावना जिसे जताने और बताने की कोई आवश्यकता नहीं, यह प्रदर्शन की चीज नहीं है। प्रेम रूह से महसूस किया जाता है और आत्मा से इसे महसूस किया जाने वाला यह अलौकिक और अतृप्त आनंद है। लेकिन आज इस भावना ने बजारू घालमेल में मिलकर एक विचित्र सी स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन आज इसी भावना के बजारू घालमेल ने एक विचित्र सी स्थिति पैदा कर दी है। आत्मा और देह का फर्क मिट गया है, प्रेम को देह तक सीमित कर दिया जा रहा है। भौतिकवादी बाजार ने उसे खरीद फरोख्त की वस्तु बना दिया है। वैलेंटाइन डे पर कोई मोटा सा गिफ्ट, बर्थडे पर शानदार सी ड्रेस, सैर सपाटा और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करा देना ही आज प्यार का पर्याय बन गया है। प्रेम ही नहीं, दूसरी संवेदनाओं पर भी ये बाजार वार कर रहा है। आस्था विश्वास जैसी संवेदनाएं चोट खा रही हैं। ये कहानी हमें बताती है कि पहले ऐसा नहीं होता था, ना पूर्व में और ना पश्चिम में। प्रेम कहीं भी खोखला नहीं था, प्रेम तो खामोश रहकर सब कुछ कह देने की भावना था। ये कहानी हमारी आंखों में उंगली डालकर हमें ये कहती है कि प्रदर्शन यानी प्रेम का खात्मा। भारतीय समाज में राधा मीरा और सीता ने प्यार शब्द को नए आयाम दिए, भौतिक सुखों से हटकर इस प्यार की एक नई परिभाषा दी, उन बुलंदियों पर इस प्यार को स्थापित किया कि वे जनमानस में स्नेह और श्रद्धा के पात्र बन गई। इस जमाने में बहुत से लोग ऐसे हैं जो राम की आलोचना करते हैं, और इसलिए आलोचना करते हैं कि उन्होंने सीता के साथ न्याय नहीं किया। पर जहां तक सीता के प्रेम का सवाल है, उसे कोई शिकायत नहीं, उसे कोई राम से आशा नहीं, और उसने राम के सामने उस प्रेम की कोई शर्त भी नहीं रखी। और राधा ने तो इसे एक अलग ही अर्थ दे दिया। उसने समाज के बंधन तोड़ डाले, उम्र की सारी सीमाएं तोड़ डाले, और प्यार को न सिर्फ शारीरिक सुख से अलग किया, बल्कि उसने प्यार की एक विशिष्ट परिभाषा दी। प्यार की परिभाषा उसने दी, हर हाल में प्रियतम का कल्याण। और मीरा का प्यार तो बहुत ही अद्भुत निकला, न शरीर की चाह, न मिलन की आस, और ना ही कोई सुख की लालसा, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ी ऐसे प्रियतम को खोजने के लिए जिसे उसने केवल कहानियों में ही सुना था, किंवदंतियों में ही सुना था, और जो केवल मंदिर और मूर्तियों में ही मिला करता था। प्रेम के ऐसे प्रतिमान स्थापित करते हिंदी साहित्य की यह अमर प्रेम कहानी, उसने कहा था, यदि आप कहानी कथन चाहते हैं इसका कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में आदेश कीजिए, हाजिर हो जाऊंगी। अभी तो बस इतना ही कहूंगी कि कागा सप्तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, और दो ने नामत खाइयो, पिया मिलन की आस। बस आपसे यही निवेदन है कि प्रेम की भावना को समझें, उसकी पावनता को बरकरार रखें, क्योंकि प्रेम
सृष्टि का संगीत है, जीवन का आनंद है, त्याग है, समर्पण है, बलिदान है। कुछ मांगने का नाम नहीं, कुछ देने का नाम है प्रेम। यदि आपको पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।